What's up everyone, welcome back to the channel. Last class में हम लोगों ने elasticity of demand की कुछ theoretical part cover करा, जिसके अंदर हमने degrees of elasticity of demand पढ़ा. अगर आपने नहीं देखा तो that is very important, playlist में जाके check कर लो या यार search कर लो यार, तुम लोग का प्यार इतना है सबसे ऊपर video आ जाएगा. अच्छे से search करो और अच्छे तरीके से elasticity को पढ़ो. आज एक मैं बहुत important theoretical portion और कराने वाला हूँ और इसकी theory हो जाएगी खत्म. फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मूव कर पाएंगे टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो थ्योरेटिकल पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रैक्टिकल हो जाएगा एक ही पार्ट में और चैप्टर विल बी ओवर. इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, उसके कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो मैं प्लेलिस्ट प्रॉपर्ली अरेंज कर दूंगा, जो बचा हुआ है वो अपलोड कर दूंगा. तो चलो शुरू करते हैं और फटाफट खत्म भी करते हैं आज इस टॉपिक को. देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. लेट्स बिगिन. गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी कि अगर किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है, तो वो किस बेसिस पे आता है, वो क्यों आता है. अगर इलास्टिसिटी है, चेंज है, तो क्यों है या किस बेसिस पे होता है. तो नंबर वन सबसे पहले आता है द नेचर ऑफ द कमोडिटी. डिपेंड करता है कि वो कमोडिटी है कैसी. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें तीन पार्ट्स में हर कमोडिटी को डिवाइड करा गया है. अगर वो नेसेसिटी है या कंफर्ट है या लग्जरी है. तो अगर वो कमोडिटी एक नेसेसिटी है, नेसेसिटी का मतलब क्या होता है कि वो चाहिए ही चाहिए आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मेडिसिन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कैंसर पेशेंट है और उसको वो मेडिसिन खानी ही खानी है, नहीं खाएगा तो उसको काम ही नहीं चलेगा. तो उस केस में उस मेडिसिन का प्राइस चाहे कितना ही बढ़ता रहे, उसको खानी ही पड़ेगी, वो डिमांड को कम नहीं कर सकता. यूजुअली क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो आपको पता ही है कि डिमांड कम हो जाता है. लेकिन अगर वो मेडिसिन उसके लिए नेसेसिटी है, उसको खानी ही है, तो प्राइस बढ़ने से भी वो उसकी डिमांड को कम नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस मेडिसिन के बिना उसका काम नहीं चलेगा. तो इस केस में, नेसेसिटी के केस में, यहाँ पे हमें यूजुअली इन इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है. इन इलास्टिक कह सकते हो या फिर लेस इलास्टिक कह सकते हो, कि बहुत कम चेंज हमें देखने को मिलता है इसके अंदर. अगर वो कंफर्ट है, कंफर्ट का मतलब कि जैसे आप लोग जो अपने घर पे LED टीवी ले रहे हो या सेल फोन ले लो, जिन चीज़ों से हमें कंफर्ट मिलता है, अगर वो कंफर्ट है, तो कंफर्ट अगर सपोज सेल फोन का प्राइस बढ़ जाता है तो हम बोल देते हैं कि चलो बाद में ले लेंगे या कोई और सेल फोन ले लेंगे. तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है. सिमिलरली आप LED ले लो, AC ले लो, आजकल तो AC भी कंफर्ट में आने लगा, सब जगह देखने को मिल जाता है. लग्जरी नहीं है, लग्जरी वो चीज़ें होती हैं जो बहुत हाई सुप्रीम क्लास चीज़ें होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गोल्ड, बेसिकली ये सब लग्जरीज में आ जाते हैं, समझ गए. तो सबसे पहले नेसेसिटी, ज़रूरतें, कंफर्ट, आराम जिनसे मिलेगा, और लग्जरी बहुत ज़्यादा एक तरीके की शो ऑफ वाली चीज़ें कह सकते हो आप लोग इसको. तो कंफर्ट में हमारे पास बेसिकली LED हो गए, हमारे पास सेल फोन्स हो गए, हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इनकी डिमांड चेंज होती है. तो इनकी डिमांड में क्या बोलोगे आप? इलास्टिक डिमांड होती है इनकी. अगर वो लग्जरी है, लग्जरी हो गया फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी कार्स, लग्जरी कार्स, आईफोन को भी कई लोग लग्जरी कंसिडर करते हैं, आईफोन हो गया, एप्पल के प्रोडक्ट्स हो गए, लग्जरीज लोग कंसिडर करते हैं. तो ये अगर सस्ते हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका प्राइस कम हो जाए, तो इनकी डिमांड एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ती है. अगर ये सस्ते होते हैं तो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ती है. तो इनकी जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है. हाईली इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब चेंज होगा बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से चेंज होगा. अगर कोई भी लग्जरी गाड़ी बहुत सस्ती मिलने लगे तो भाग के लोग लेके आएंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है. तो अगर नेसेसिटी है तो इलास्टिक ही नहीं होती, इन इलास्टिक लेनी ही पड़ेगी चाहे प्राइस कम हो या ज़्यादा हो. कंफर्ट है तो इलास्टिक, अगर वो लग्जरी है तो हाईली इलास्टिक, ठीक है. इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और कोक एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो अगर पेप्सी महंगी हो जाए तो कोई बात नहीं, हम पेप्सी छोड़ के कोक ले लेंगे. तो अगर पेप्सी महंगी हो जाए तो आप पेप्सी की डिमांड को कम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट है, कोक अवेलेबल है. लेकिन अगर पेप्सी
का कोई सब्सटीट्यूट ही ना हो, अकेली बस पेप्सी ही हो, मार्केट में इसका राज चलता है, बस यही है, यही है, इसके अलावा कोई और सॉफ्ट ड्रिंक है ही नहीं। तो अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक लेनी है तो यही लेनी पड़ेगी। अब अगर ये महंगी भी हो जाए तो आप इसकी डिमांड तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि और कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, यही अकेली है। ऑल्दो आज के टाइम में हर चीज़ का सब्सटीट्यूट है, बट स्टिल फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सपोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं तो प्राइस कितना भी बढ़ता रहे डिमांड को हम कम नहीं कर सकते। तो अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, इफ देयर आर सब्सटीट्यूट्स, तो डिमांड इलास्टिक होगी। अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। इस बात का ध्यान रखना है, सब्सटीट्यूट्स हैं तो इलास्टिक, नहीं है तो इनइलास्टिक। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो जाते हैं, सबसे पहला क्या कैसा नेचर है, दूसरा सब्सटीट्यूट्स, तीसरा इनकम लेवल। इनकम लेवल में किसकी इनकम की बात हो रही है, कंज्यूमर की, हाई इनकम लेवल और लो इनकम लेवल। अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम लेवल बहुत हाई है, सपोज जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, या कोई अच्छा बिजनेसमैन है जिनका इनकम लेवल बहुत हाई है, तो अगर कोई चीज़ महंगी होती है ना तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लेनी है तो लेनी है। तो अल्टीमेटली अगर प्राइस बढ़ भी रहा है तो इनकी डिमांड कॉन्स्टेंट है, ये डिमांड में चेंज नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलती है, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक डिमांड। अगर आपका इनकम लेवल हाई है तो प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे आपको क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन अगर लो इनकम लेवल है, किसी की इनकम बहुत कम है, मिडिल क्लास लोग हैं आप और मैं, हम सब की बात करता हूं अगर मैं, तो उस सिचुएशन में अगर प्राइस बढ़ता है तो हम तो भाई डिमांड को कम करते हैं, हमें तो बहुत फ़र्क पड़ता है, हम तो डिमांड को कम कर देते हैं एकदम से। अगर कोई सेल फोन कैमरा सस्ता हो जाए तो मैं तो वेट करता हूँ कि कब कोई कैमरा सस्ता हो, मैं तब ले लूँगा, आप लोगों के लिए बढ़िया क्वालिटी की वीडियो बना देंगे। तो अल्टीमेटली प्राइस अगर बढ़ता है तो हम डिमांड कम करते हैं, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ाते हैं। तो हम लोग किसकी बात करते हैं यहाँ पे, इलास्टिक डिमांड की, यानी कि चेंज होगा, बात समझे क्या। फोर्थ इज द लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस का मतलब एक्सपेंसिव गुड्स एंड चीप गुड्स, एक्सपेंसिव और चीप। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंसिव में क्या ले लो, वही सेलफोन ले लो, गाड़ी ले लो, और आप कोई और प्रोडक्ट्स ले लो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले लो, अगर वो एक्सपेंसिव है, अब उनका प्राइस चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, तो लोग एकदम से लेके आते हैं। जैसे लैपटॉप सपोज सस्ता हो जाए तो मैं एकदम से लेने के लिए जाऊँगा, क्योंकि मेरी नीड भी है और वो सस्ता भी मिल रहा है, तो भाग के लेके आऊँगा। अभी आजकल दिवाली का सीजन है तो दिवाली सेल में बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं, तो जाके ले लो। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दिवाली में मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी सस्ती हो गई है, तो क्या भर के ले आऊँ, ट्रक ले आऊँ माचिस की डिब्बी का, पटाखे जला लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो चीप गुड्स होते हैं, जिनमें हमारी बहुत कम पैसा हम स्पेंड करते हैं, उनके सस्ते या महंगे होने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो एक्सपेंसिव गुड्स हैं, जो काफ़ी हमें ही महंगे पड़ते हैं, तो अगर वो सस्ते हो जाएँ तो हम काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चेंज करते हैं ना। तो जो एक्सपेंसिव गुड्स हैं उनकी डिमांड इलास्टिसिटी जनरली इलास्टिक होती है, और जो चीप है वो इन इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक, ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद द पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोनमेंट का मतलब क्या है कि आप उसको डिले कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। तो अगर किसी चीज की अर्जेंसी है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कल मैरिज में जाना है और मुझे कोई पर्टिकुलर जीन्स चाहिए और मैंने देखी है मुझे वही चाहिए, कल जाना है मैरिज में और आज मैं जीन्स लेने मार्केट गया हूँ तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो महंगी हो चाहे वो सस्ती हो, कारण मैं उसको डिले नहीं कर सकता, आई एम इनटू अर्जेंसी, मुझे अर्जेंट है वो चीज़। तो अगर पोस्टपोनमेंट नहीं हो सकता तो डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक, मुझे डिमांड करनी ही पड़ेगी, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, मुझे फटाफट सामान चाहिए। लेकिन अगर मैं पोस्टपोनमेंट कर सकता हूँ, इफ देर आर स्कोप ऑफ पोस्टपोनमेंट, मैं ये कहूँ कि चलो यार अभी तो मैरिज में जाना है 15 दिन बाद, मैं जीन्स लेने आज ही चला गया, मिल गई अच्छी तो ठीक है, नहीं तो मैं कहूँगा भाई कोई और दुकान पे देख लेता हूँ, शायद वहाँ सस्ती मिल जाए, तो वहाँ पे डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे क्या होती है डिमांड इलास्टिक। तो अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, अर्जेंसी है एमरजेंसी है डिले नहीं हो सकता, तो इन इलास्टिक, हो सकता है तो इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस मोर एंड लेस। अगर किसी चीज के नंबर ऑफ यूजेस बहुत ज्यादा हैं, जैसे हम मिल्क का एग्जांपल लेते हैं कि दूध बहुत सारी चीजों में यूज होता है, आइसक्रीम में, चॉकलेट में, केक में, मिल्क शेक में, कॉफी में, टी में, बहुत सारे यूजेस हैं, तो जिस चीज के यूजेस जितने ज्यादा होते हैं ना उनकी डिमांड उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होती है।
और अगर नंबर ऑफ यूजेस कम होते हैं तो उतनी ही डिमांड इन इलास्टिक होती है या फिर लेस इलास्टिक होती है। ऐसा कैसे? अब फॉर एग्जांपल मिल्क सस्ता हो जाए, मिल्क ले लो, मिल्क का एग्जांपल ले लो, मिल्क का प्राइस कम हो जाए। सपोज मिल्क का प्राइस कम हो गया, मिल्क सस्ता हो गया, तो उस केस में मैं सब कुछ घर में बनाऊंगा, मैं कर्ड भी घर में बनाऊंगा, मैं पनीर भी घर में बनाऊंगा, चीज़ बोल देता हूँ चलो, चीज़ भी घर में बनाऊंगा, मैं घी भी घर में बनाऊंगा, आइसक्रीम भी घर में बनाऊंगा, सब कुछ घर में बनाऊंगा, तो डिमांड ज़्यादा करूंगा ऑब्वियसली। तो जब नंबर ऑफ़ यूजेस ज़्यादा है और प्राइस कम होता है तो डिमांड पे भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा यानी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक, जो चेंज होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ यूजेज ही एक ही है, मैं बस वहीं पर यूज़ करता हूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ को, नंबर ऑफ़ यूजेज कम है तो डिमांड भी लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक होती है। तो ये फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो 6 के 6 फैक्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैंने सारे समझा दिए। नंबर 1 द नेचर ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, इनकम लेवल, प्राइस का लेवल, पोस्टपोनमेंट और नंबर ऑफ यूजर्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारी इलास्टिसिटी की थ्योरी हो जाती है समाप्त। इलास्टिसिटी में अब बचा न्यूमेरिकल पोर्शन, एक ही पार्ट में कोशिश करूंगा अगले पार्ट में कवर कर दूं, अदरवाइज 2 पार्ट्स में कवर हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, उनके कुछ पार्ट्स अपलोडेड हैं, देखना शुरू कर दो, चिंता मत करो। मार्केट भी अपलोडेड है, सप्लाई बचा है बीच में बस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट है। कुछ और आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए, कुछ और आपको चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दो, वो भी फटाफट पूरा कर देंगे, फिर फाइनल एग्जाम्स भी तो देने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से पूरा कर देना, वो लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो यार, किस चीज का इंतजार है, खुद भी करो, अपनी क्लास के बच्चों से भी करवाओ। थैंक यू सो मच।